हेलो स्टूडेंट्स इन टूडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड ओके सो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है वो भी एक तरीके का लोन था और ये भी लोन ही है जिससे कंपनी फंड इकट्ठा करती है ओके okay? सो लेट्स स्टार्ट बॉन्ड इज़ अ डेफ्ट सिक्योरिटी बॉन्ड क्या है एक डेफ्ट सिक्योरिटी है एक तरह का लोन है डेफ्ट मीन्स लोन ही है इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड बॉन्ड होल्डर और यहाँ पे क्या होता है कि जो उन्होंने बोरो मनी जो मनी बोरो किया होता है पर्सन से बॉन्ड होल्डर से उसे वो पूरा रिपे करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड विद इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी देते हैं इसमें और जो उनका एक्चुअल अमाउंट होता है जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी एक फ़िक्स टाइम पे उन्हें पूरा रिपे करना होता है बॉन्ड इज़ अ लोन मैंने पहले ही बताया कि बॉन्ड क्या है एक तरह का लोन है जो कि कंपनी लेती है और बाद में उसे वापस भी करना होता है ओके द होल्डर ऑफ़ बॉन्ड इज़ अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन जो होल्डर ऑफ बॉन्ड है जो बॉन्ड होल्डर है वो क्या है लेंडर है इंस्टीट्यूशन जो वो इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी है उसको लोन देने वाला है तो वो क्या है लेंडर ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी तो यहाँ पे क्या है वो क्रेडिटर है कंपनी का क्रेडिटर है यहाँ पे क्या है कंपनी को कंपनी की लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर मीन्स की क्या है कि जो बॉन्ड होल्डर है वो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है क्यों क्योंकि उसे इंटरेस्ट भी पे करना है बॉन्ड होल्डर को और उसका पूरा का पूरा पैसा भी एक फिक्स टाइम पे उसके पूरे के पूरे पैसे भी उसे चुकाना है तो यहाँ पे ये यह क्या होता है क्रेडिटर और कंपनी क्या होती है डेटर ऑल बॉन्ड्स है मेच्योरिटी डेट एंड इज़ पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर जो हर तरीके जो बॉन्ड होते हैं वो मैचोरिटी डेट पर पे करना होता है इन कैश कैश में एक इन फ्यूचर जब ईशू किया जाता है तो भी तो ही वहाँ पर ये फिक्स हो जाता है कि उन्हें एक सर्टेन टाइम पर एक सर्टेन डेट फिक्स डेट पर उन्हें क्या करना है कि उनका पूरा उन्हें इन कैश उन्हें वापस कर देना है ठीक है जब मैच्योर हो जाता है बॉन्ड तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फॉर्म प्रोमिसिंग टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफिक डेट तो ये जो अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट तो ये बॉन्ड होता है क्या है कि एक तरह का सर्टिफिकेट ही होता है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू और या फिर बिजनेस फॉर्म इसे कौन इशू करता है गवर्नमेंट कंपनी भी यूज़ करती इशू करती है और बिजनेस फॉर्म भी इशू करती है ओके और इसमें प्रॉमिस भी करती है कि वो एक जो भी उनका स्पेसिफिक सम है वो उन्हें स्पेसिफ़िक डेट पे दे दिया जाएगा उनका रीपेमेंट कर दिया जाएगा जो वो क्या करते हैं जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो जो यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है उसी में ये लिखा होता है कि इनका कितने मतलब बॉन्ड में इन्होंने कितना पैसा दे रहे हैं और इन्हें कितना इंटरेस्ट देना है और फिक्स टाइम पर क्या इनकम इन्हें देना है वापस करना है पूरा पैसा वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं और एक प्रॉमिस होता है ये ठीक है जो सर्टिफिकेट होता है ये एक तरह का प्रॉमिस होता है जो कि प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट या फिर वो बिजनेस फॉर्म जो इशू करती है बॉन्ड को ओके दस अ कंपनी बोरोज मनी एंड इशूज बॉन्ड्स एज एन एविडेंस ऑफ डेप्ट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बॉन्ड्स एट फिक्स इंटरवल और ऑन मेचोरिटी डेट सो द सेम थिंग इज़ कन्वेड अगेन वही सेम चीज़ है कि जो कंपनी होती है वो जो मनी बोरो करती है जब वो बॉन्ड इशू करती है तो यहाँ पे वो इसे एक एविडेंस के तहत वो जो सर्टिफिकेट देती है उसमें वो सब बातें लिखी होती हैं और यहाँ पे वो सब फिक्स्ड होता है कि जब मैच्योरिटी बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट आएगी उसके बाद या उसके इंटरवल में ही बीच बीच में या मतलब क्वार्टली या ईयरली कैसे देना है इंटरेस्ट वो सारी चीज़ें इसमें फिक्स रहती है पहले से ही जब इशू करता है बॉन्ड तभी ओके सो so, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी होता है मतलब कि क्यूमुलेटिव या फिर नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है मतलब क्यूमुलेटिव में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि एक साथ होती है और नॉन कम्यूनिटी में देखते हैं तो हर साल इंटरेस्ट मिलता रहता है मतलब हर साल पे इंटरेस्ट देते रहते हैं और कम्यूनिटी में क्या होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ होता है ओके सो so, यहाँ पे मतलब ये फिक्स करते हैं कि कैसे देना है उनका इंटरेस्ट कैसे देना है एक साथ देना है या जब उनका पूरा एक्चुअल अमाउंट जो होता है उसके साथ देना है या उन्हें इंटरेस्ट टाइम टाइम पर देते रहना है और जो उनका एक्चुअल अमाउंट है वो फाई सपोज़ कि फाइव ईयर का है तो फाइव ईयर में उन्हें जो उनका एक्चुअल अमाउंट है वो पाँच साल में मिलेगा और उनका जो इंटरेस्ट है वो हर साल मिलता रहेगा या फिर वो ऐसे कर सकते हैं कि पाँच साल के बाद उन्हें उनका पूरा एक्चुअल अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट रहता है वो सब प्लस करके उन्हें एक साथ दिया जाए ठीक है वो सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स होती है पहले से ही लिखी होती है ओके सो so, देखते हैं हम इसका फ़ीचर्स क्या है सो फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ़ फाइनेंस ये किस तरह का मतलब फाइनेंस किस तरह का होता है मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म क्या होता है इट इज़ अ डेप्ट फाइनेंस ये क्या है एक तरह का लोन फाइनेंस मतलब लोन है कर्ज है कंपनी को एक लोन कोई प्रोवाइड कर रहा है ठीक है इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म के लिए हमने इसके पहले क्या देखा था पब्लिक uh, डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म के लिए था द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड दैट इज़ फाइव ईयर्स टेन ईयर्स ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ईर्स देखिए कितना फिफ्टी ईयर्स के लिए भी है ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जनरली सिक्योर्ड भी होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी कोई एक कोलेट्रल रखती है ओके अगेंस्ट टू बॉन्ड होल्डर कि इसमें रिस्क नहीं होता उतना ठीक है और लेकिन ये ये भी है कि बॉन्ड कभी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता जैसे कि डिवेंचर हम, so, हम देखते हैं कि वो शेयर में कन्वर्ट होता है ये जनरली शेयर में कन्वर्ट नहीं होता सो ये हम देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है और इसमें uh, इसका फिक्स रहता है इसका इंटरेस्ट भी ओके okay? नेक्स्ट वन इज़ स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर यहाँ पे मतलब बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनकी कंपनी में क्या स्टेटस होती है वो कहाँ स्टैंड करते हैं मतलब उनका एक किस तरह का पोस्ट होता है वो देखते हैं उनका यहाँ पे क्या रहता है द बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स यहाँ पे क्या है क्रेडिटर्स हैं क्योंकि उन्होंने लोन दिया है सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स दे आर नॉट इंटाइटल टू पार्टिसिपेटिंग इन जनरल मीटिंग तो यहाँ पे वो क्या है क्रेडिटर्स हैं उन उनका वो लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी की वो यहाँ पे ओनर नहीं है ठीक है इसके लिए वो जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम देखते हैं कि प्रिफ्रेंस शेयर एंड प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर वो क्या होते हैं ओनर होते हैं तो इसलिए वो जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं और वहाँ पे जो भी रहता interfere है इंटरफेयर करते हैं वोटिंग करते हैं यहाँ पे इनको वोटिंग करने के भी राइट्स नहीं होते हैं और ये जो पार्ट जो मैनेजमेंट का कंपनी की जो मैनेजमेंट होते उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ओके तो यहाँ पे ना तो वोटिंग करने का हक है ना ही जनरल मीटिंग को अटेंड करने का मतलब पार्टिसिपेट करने का भी नहीं है और ना ही जो भी मैनेजमेंट में कुछ अगर चेंजेज लाना है या फिर उस पर कुछ ओपिनियन देना है तो इन इनका यहाँ पर कोई हक नहीं होता यहाँ पर ओके सिर्फ़ और सिर्फ ये बॉन्ड इशू बॉन्ड में मतलब लोन देते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट लेते हैं बस इतना ही रहता है इनका काम ओके थर्ड वन इज़ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स द बॉन्ड होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पहले ही बताया कि ये फिक्स्ड रेट होता है हमें पता है कि जो भी लोन जिससे भी लोन लेना है या जो लोन देता है उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है तो यही चीज़ इसमें भी लागू होती है इट इज़ पेबल एट रेगुलर इंटरवल ऑन द मेचोरिटी ऑफ बॉन्ड तो ये या तो एक रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है ओके okay? या इंटरवल पे दिया जाता है या फिर पूरा जब मैच्योर हो जाता है जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है जब उसका पूरा एक्चुअल अमाउंट देने का टाइम आता है तब दिया जाता है या सपोज सिक्स सिक्स मंथ पे दिया जाता है या फिर ये कह सकते हैं कि एक एक साल पे दिया जाता है मतलब कि यहाँ पे सब फिक्स होता है ओके सो लास्ट वन इज़ रीपेमेंट बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन वेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड तो दैट मीन्स कंपनी हैज़ टू पे प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यहाँ पे जब मेच्योरिटी डेट हो जाती है तब तो उसे उसका पूरा का पूरा जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो उसे रीपेड कर दिया जाता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर न, एक साथ में देना है अगर नॉन क्यूमूलेटिव है सॉरी क्यूमलेटिव है तो यहाँ पे एक साथ दे दिया जाता है और नहीं तो फिर उसे टाइम टू टाइम दिया जाता रहता है जैसा कि उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है जब वो बॉन्ड इशू करता है वहाँ पे जो जैसी प्रॉमिस की जाती है उससे जैस जिस टाइप का वो बॉन्ड इशू करता है जैसा लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से उनको उनका इंटरेस्ट मिलता है ओके सो हम देख चुके बॉन्ड्स क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट ए एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट ओके एक एक करके देखेंगे सो so, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ओके सो थैंक यू